नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो को क्लिक किया होगा आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बारे में। सूर्य कुमार यादव ने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में डेब्यू किया था। सूर्य कुमार यादव ने अपने पहले ही मैच में छक्का मार के अपनी पारी की शुरुआत करी थी। उसके बाद से ही दोस्तों उन्होंने अपने धाकड़ बल्लेबाजी के दम पे सभी फॉर्मेट में काफी रिकॉर्ड बनाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम सूर्य कुमार यादव के सभी रिकॉर्ड्स के बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में बेहतरीन शतक जड़ा। उन्होंने 51 गेंदों पे 112 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाते ही बनाए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव के T20 में अब तक 3 शतक हो चुके हैं। उन्होंने तीनों शतक की ओपनिंग पोजीशन से नीचे बैटिंग करते हुए लगाए हैं। T20 इंटरनेशनल में वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी है। वह इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 3 T20 शतक लगा चुके हैं। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर समेत 6 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। सभी ने ओपनिंग के बाद बैटिंग करते हुए 2-2 शतक जोड़े हैं और उन्होंने भारत के लिए भी दूसरा सबसे तेज शतक जोड़ा है। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। इस तरह उन्होंने भारत के लिए T20 में सबसे तेज दूसरा शतक जड़ा। पहले नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद है जिन्होंने 35 गेंदों पर शतक लगाया हुआ है। वहीं भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक जड़ने के मामले में भी वह नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। उनके नाम 3 शतक है। वहीं रोहित शर्मा ने 4 T20 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं। KL राहुल के नाम अभी 2 शतक दर्ज है। वहीं आगे बात किया जाए तो सबसे कम गेंदों पर उन्होंने 1500 रन बना चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 893 गेंदों पे 1500 रन बनाए हैं, जो सबसे तेज है। सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग पर अभी नंबर 1 पर काबिज है। इन्हीं सभी उपलब्धियों की वजह से बड़े बड़े दिग्गज पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं कि आने वाला दशक सूर्य कुमार यादव के नाम हो सकता है। उनका सभी फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेलना अति आवश्यक है। आने वाला 4-5 साल इंडिया और सूर्य कुमार यादव के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के कैप्टन भी बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।